अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फॉरवर्ड पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लासेस। आई एम योर फिजिक्स टीचर अक्सा एंड टुडे वी विल डिस्कस कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बुक के पेज नंबर 94 पे आज का टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। टू इंक्रीज द एंगुलर मैग्नीफिकेशन बियॉन्ड दैट पॉसिबल विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास एंड एडिशनल कन्वर्जिंग लेंस कैन बी इंक्लूडेड टू प्री मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट बिफोर द मैग्नीफाइंग ग्लास कम्स इन टू प्ले। अब अगर आप पहले हमने पढ़ा कि हम मैग्नीफाइंग ग्लास से जो है एक इमेज को जो है मैग्नीफाइड इमेज को देख सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट के लिए उसका बड़ा इमेज देख सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि हमें जो इमेज नज़र आए वो मज़ीद क्लियर हो, मज़ीद जूम हो, मज़ीद बड़ा नज़र आए, तो इसके लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे, ठीक है। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होगा, इसमें हम एक एडिशनल कन्वर्जिंग लेंस को ऐड करेंगे जो ऑब्जेक्ट को पहले प्री मैग्नीफाई करेगा और उसके बाद मैग्नीफाइंग ग्लास अपना काम करेगा, ठीक है। द रिज़ल्ट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नोन एज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। और इसके लिए जो हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे उसे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं। द मैग्नीफाइंग ग्लास इज कॉल्ड द आईपीस एंड द एडिशनल लेंस इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव एज शोन इन फिगर 12.34। अब फिगर 12.34 में हम देख सकते हैं कि जो मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर काम करेगा उसे हम आईपीस लेंस बोलते हैं, और जो एक्स्ट्रा लेंस हमने ऐड किया है एडिशनल लेंस उसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, और यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, ठीक है। द ओवरऑल मैग्नीफिकेशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई द टू लेंजेज। अब जो ओवरऑल मैग्नीफिकेशन है वो हमारे पास इस आई पीस के मैग्नीफिकेशन, जितना मैग्नीफिकेशन इस आई पीस से हमें देखने को मिलेगा, और ऑब्जेक्टिव लेंस के मैग्नीफिकेशन, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है। अब हम आते हैं पेज नंबर 95 की जानिब। इन अ टिपिकल सिचुएशन शोन इन फिगर 12.35 द ऑब्जेक्ट टू बी एग्जामिन इज प्लेस्ड ओनली अ स्मॉल डिस्टेंस बियॉन्ड द फोकल पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव लेंस का ये हमें फोकल पॉइंट नज़र आ रहा है, इससे थोड़े ही फासले पे हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं जिसे हमने एग्जामिन करना है, जिसे हम देखना चाहते हैं, विच मीन्स दैट डी ओ इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ ओ। और हम कह सकते हैं कि तकरीबन जो एफ ओ और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है इस ऑब्जेक्टिव लेंस से, वो तकरीबन हम कहते हैं कि इक्वल ही है। द मैग्नीफिकेशन एम ओ प्रोड्यूस बाय द ऑब्जेक्टिव इज गिवन। अब एम ओ हम मैग्नीफिकेशन जो ऑब्जेक्टिव लेंस से प्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए यूज़ कर रहे हैं, इज गिवन बाय एम ओ इक्वल्स टू माइनस एच आई बाय एच ओ इज इक्वल टू माइनस डी आई बाई डी ओ इज इक्वल टू माइनस डी आई बाई एफ ओ, ठीक है। हमें पता है मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू, हम कहते हैं कि इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट के रेशियो के बराबर है, दोनों के साइज़ के रेशियो के बराबर है। हम यहाँ पे नेगेटिव साइन पुट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो इमेज बन रहा है ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से वो जो है वो इन्वर्टेड है, ठीक है। और हम ये भी कहते हैं कि एच आई बाई एच ओ इज़ इक्वल टू डी आई बाई डी ओ, तो हम इन दोनों को, और दूसरी बात हमने अभी बताई कि डी ओ इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ ओ, तो हम डी ओ की जगह एफ ओ भी पुट कर सकते हैं, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, ठीक है। अब आप फिगर में देख सकते हैं यहाँ पर हमने फोकल पॉइंट से थोड़ा सा दूर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, और ऑब्जेक्ट जब इससे ये इसके टिप से रेज आ रही हैं वो ऑब्जेक्टिव लेंस से जब गुजरती हैं तो यहाँ पे ये इस ऑब्जेक्ट का फर्स्ट इमेज बनाती है जो कि इन्वर्टेड है, ठीक है। द आई पीस एक्ट्स लाइक अ सिंपल मैग्नीफायर। अब जो आई पीस है वो सिर्फ सिंपल मैग्नीफायर के तौर पे हमें काम करता है। इफ़ वी एज्यूम दैट द आई इज रिलैक्स द आई पीस एंगुलर मैग्नीफिकेशन बाई इक्वेशन 12.12 पी कैन बी रिटन एज, हमने पढ़ा था कि फॉर ऑब्जेक्ट्स के लिए या फिर जब आई रिलैक्स्ड होती है तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन के लिए ये इक्वेशन हम यूज़ करते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था। यहाँ पे हमने जो है एम थीटा की जगह एम ई, ई इज़ फॉर आई पीस लेंस, और एफ को सिंपल एफ को हमने एफ ई से रिप्लेस कर दिया है ताकि हमें पता चले कि आई पीस का जो फोकल लेंथ है ये वो है फोकल डिस्टेंस जो है हमारे पास, ठीक है, या फोकल लेंथ। सिंस द आई पीस इनलार्जेस द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव द ओवरऑल मैग्नीफिकेशन एम इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस एम ओ टाइम्स द एंगुलर मैग्नीफिकेशन एम ई ऑफ द आई पीस लेंस। अब जो ओवरऑल मैग्नीफिकेशन है वो इन दोनों मैग्नीफिकेशन के प्रोडक्ट के इक्वल है, ठीक है। पुटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट। अब हमें इक्वेशन नंबर 3 में एम ओ और एम ई की वैल्यू चाहिए, एम ओ के वैल्यू हम यहाँ से ले रहे हैं माइनस डी आई बाई एफ ओ, और एम ई की वैल्यू हम यहाँ से ले रहे हैं एन डिवाइडेड बाई एफ ई। दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करने से हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन आ गया। द माइनस साइन इंडिकेट्स दैट द इमेज इज़ इन्वर्टेड, और आप देख सकते हैं कि जो फाइनल इमेज है हमारे पास वो भी इन्वर्टेड बन रहा है। ये इस इमेज को, इमेज नंबर 1 को मैग्नि
मैग्नीफाई करता है और यहाँ पे हमें जो इमेज नज़र आ रहा था वो इतना इनलार्ज होता है। ये ऑब्जेक्ट का सेकेंड इमेज है, जो फाइनल इमेज भी हम बोल रहे हैं, इन्वर्टेड है, इनलार्ज है, और नेगेटिव साइन यही हमें शो कर रहा है कि इमेज इज़ इन्वर्टेड। ठीक है, उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।